गोपीगंज के जामा मस्जिद सहित आसपास की मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा की नमाज अदा की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनीस अख्तर ऑफिशियल। प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा, जीटी रोड को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। गोपीगंज नगर गोपीगंज सहित आसपास के मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई। नमाजियों ने देश में शांति और खुशहाली की दुआ की। नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। गोपीगंज के जामा मस्जिद में दोपहर करीब 1:15 बजे अलविदा जुमे की नमाज हुई। इसमें बड़ी संख्या में नमाजी जामा मस्जिद पहुंचे, नमाज पढ़ी। अपर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी आकाश, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, क्षेत्राधिकारी प्रभात राय, प्रभारी सदानंद सिंह, चौकी इंचार्ज मनोज राय सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह नजर रखे रहे। गर्मी को देखते हुए जामा मस्जिद के अलावा मदरसा में नमाजियों के लिए व्यवस्था कराई गई थी, जिससे रोजेदारों को परेशानी न होने पाए। मान्यता है कि रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को अदा करने से दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह रोजेदारों पर रहमतों की बारिश करते हैं। जामा मस्जिद के गुड्डू चौधरी, हसनैन, सरवर खान, सिराज अख्तर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि रमजान उल मुबारक के आखिरी जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए हर तरह की व्यवस्था पहले ही दुरुस्त की गई थी। उन्होंने बताया कि रमजान के महीने में 4 जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। आखिरी जुमे की नमाज को अलविदा रमजान होता है। मदीना मस्जिद के इमाम हाजी हाफिज गुलाम मुरतुजा ने बताया कि जुमे के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था और जुमे को ही उन्होंने जन्नत में वापसी की थी। जुमे की नमाज अदा करने से पिछले हफ्ते के गुनाहों से निजात मिलती है। एक जुमे की नमाज अदा करने से 40 नमाज अदा करने का सवाब मिलता है। 21 अप्रैल 2023 यानी आज रमजान के 29 रोजे पूरे हो रहे हैं। रमजान आखिरी जुमे के दिन चांद दिखाई देता है तो 22 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी नमाजी सड़कों पर नमाज ना पढ़े, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने मुख्यालय पर बैठक में कहा था कि सड़कों पर नमाज अता नहीं की जाएगी। जिले के सभी मौलाना मस्जिद के प्रबंधकों को सड़कों पर नमाज न पढ़ने के निर्देश दिए गए थे। यदि ज्यादा भीड़ हो तो अन्य मस्जिदों में नमाज अदा कराने के बारे में कहा गया था, जिसका अनुपालन करते हुए सभी मस्जिदों में, खासकर जामा मस्जिद गोपीगंज में हाफिज अनिसुल कादरी, मदीना मस्जिद में हाफिज हाजी गुलाम मुर्तुजा, शाही मस्जिद में मौलाना अवैश, मेवरापुर में मौलवी हैदर, पूरे गुलाब मौलाना ताज ने इमामत की बाद नमाज, मुल्क की खुशहाली अमन चैन की दुआएं मांगी गई। नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई, चूना का छिड़काव की व्यवस्था की गई थी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनीस अख्तर ऑफिशियल। नहीं, अलविदा का नमाज आज जो है सकुशल संपन्न कराया गया और जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स, पीएसी के जवान और सभी लोग जो है मुस्तैद होकर के जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कस्बा गोपीगंज में भी नमाज संपन्न हुआ है, सकुशल नमाज संपन्न हुआ है। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं तो सड़क पर जो है नमाज के लिए जो है अलाउड नहीं है, तो सभी लोग अपने अपने जो है मस्जिद में नमाज कर रहे हैं और हम लोग यह पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि सभी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से रखें, जिससे सभी लोगों का सकुशलपूर्वक अलविदा का नमाज संपन्न हो सके। और हो भी रहा है, सभी लोगों का हो भी गया है नमाज संपन्न।